जितना आप एक इंस्टीट्यूट में निंजाज और ब्लॉक्स में 10,000 रुपए 20,000 रुपए देके एक्सपेक्ट करते हो ना यार कि हाँ यार मैंने इतने पैसे दे दिए। तो हेलो जी, कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में। तो किसी को कॉम्पिटिटिव करनी है ठीक है, उसके मैथमेटिक्स के टॉपिक मुझे करने हैं तो क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा, कहां से मुझे पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस कौन कौन से क्वेश्चंस करूं, तो वो सब इस वीडियो में कवर होने वाला है। अब इससे पहले मैं मेन टॉपिक में जाऊं कि हाँ यार मैथमेटिक्स में ये करना है आपको, यहाँ यहाँ से करना है, इतना इतना करना है, उससे पहले एक मिनट लूंगा और मतलब थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि क्या चीज होने वाली है। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जिसमें बेसिकली सारे के सारे टॉपिक्स फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस पूरा करने वाले हैं। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इससे, जितना आप एक इंस्टीट्यूट में निंजाज और ब्लॉक्स में 10,000 रुपए 20,000 रुपए देके एक्सपेक्ट करते हो ना यार कि हाँ यहाँ मैंने इतने पैसे दे दिए हैं अब मुझे कॉम्पिटिटिव तगड़ी आ जाएगी, उतना ही सेम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने, यहाँ पे आपको मेहनत देनी है, पाथ मैं बताऊंगा, मेहनत आपको करनी है और आपके वो 10-20 हजार रुपए बच जाएंगे, बस मेहनत करनी है और ढंग से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो ये थोड़ी सी एक कहानी थी, आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे जो कि ये मैथमेटिक्स के टॉपिक क्या क्या हमें करना है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे मजा आएगा नहीं, कुछ वार्म अप कर लेते हैं ना पहले। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, बर्थडे पैराडॉक्स प्रॉब्लम, तो वीडियो स्टॉप कर लो और इसको एक बार सॉल्व करने बैठो दिमाग लगा के, मतलब ऐसे मतलब कोड करने मत बैठो, एक बार ऐसे ही थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा समझ जाओगे ना, तो ठीक है एक बार ये सॉल्व करो। 3 सेकंड रुक गया था तो एज्यूम करके चल रहा हूं कि सबने ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है तो मतलब कर लेना इसको आगे। अब स्टार्ट करते हैं किस किस टॉपिक में डिवीजन हम कर सकते हैं अगर मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो मतलब प्रॉब्लम किस किस टाइप की हो सकती है। तो बेसिकली टाइप ऑफ प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने यहाँ पर डिवीजन की हुई है, वो सारी डिवीजन हम देखने वाले हैं। सबसे पहली डिवीजन है यार एडहॉक अप्रोच वाला, ब्रूट फोर्स वाला, है ना, फॉर्मूला बेस्ड वाला। सेकंड आपका बिग इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलर अरिथमेटिक और पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएशन, बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। तो ये सब आपकी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब हर एक टॉपिक को वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, कैसा है, कहां से करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो है एडहॉक अप्रोच, जिसमें बेसिकली आपके किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब ब्रूट फोर्स वाले, इसमें फॉर्मूला लग रहा हो, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर मान लो कि नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला क्वेश्चन, जैसे कि मेरे पास एक एरे है उसमें 5 नंबर है तो मुझे एक मतलब मैक्सिमम नंबर बनाना है उन सारे नंबर्स का यूज करके। नॉर्मल लॉजिक है भाई, सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दे और तेरा मैक्सिमम नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, ना कोई डीएसएल कुछ खास यूज नहीं होता, सिंपल नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक होता है, ठीक है, बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। सेकंड टाइप पर आते हैं यार जो कि है हमारा बिग इंटीजर वाले क्वेश्चन यार, मतलब बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपका नॉर्मल जो इंटीजर की कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसमें आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे मुझे फैक्टोरियल निकालना हो 100 का, ठीक है, तो वो आप नॉर्मल इंटीजर से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब जावा और पाइथन में आपके पास बिग इंटीजर तो है, आप वो लाइब्रेरी का यूज करके सीधे सीधा सोल्यूशन निकाल सकते हो, पर C++ में ये केस नहीं होता, ठीक है, वहां पे नॉर्मल इंटीजर है वो सिर्फ आपको मैक्सिमम 18 डिजिट तक ही हेल्प करने वाला है, और उसके बाद आपको या तो एरे का यूज करना पड़ेगा या फिर एक लाइब्रेरी होती है बूस्ट लाइब्रेरी, पर वो शायद अपन ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते, वो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि नहीं कर सकते उसको। तो C++ के केस में आपको एरे से काम चलाना पड़ेगा अगर आपको निकालना है तो, और जावा में पाइथन में आपके पास बिग इंटीजर लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसका यूज आप बेसिकली बिग इंटीजर के बहुत चीजों में कर सकते हो, GCD में प्राइम निकालने, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे यूज हैं इसके। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ जो आपको करना है, अभी आपने समझ लिया कि हाँ यार बिग इंटीजर नाम की कोई चीज होती है, तो सबसे पहले ये वाले लिंक से देखो कि बिग इंटीजर होता क्या है, उसके बाद ये वाले लिंक से यहाँ पे ये वाला, इसमें आपको जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यार कि फैक्टोरियल कैसे निकालो, समझो बिग इंटीजर का यूज करके आप मुझे 100 का फैक्टोरियल निकाल के दिखा दो, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अगले वाले पार्ट पे चलते हैं जो कि आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक, तो इसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो ये डिस्प्ले हो रहा होगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ पे जाके आप एक बार सारे के सारे रूल्स को पढ़ लेना, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं जो कि है एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, जैसे मुझे a^b कुछ निकालना है तो इसका एक तरीका होता है, फास्ट एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं उसको यार, तो उस वे को आपको समझना है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव आप करने जा रहे हो तो आपके हर एक मिलीसेकंड की वैल्यू होती है कि आपका सॉल्यूशन कितनी जल्दी कितनी कम टाइम में सॉल्व हो चुका है, कितने कम टाइम में आपने सारे टेस्ट केस पास करा दिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए टाइम की, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए आपकी जो एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। तो जब एक्सपोनेंशिएशन की बात हो यार, तब आपको ये वाली एल्गोरिथम यूज करनी है। कौन सी वाली? फास्ट एक्सपोनेंशिएशन। क्या होता है इसमें? ये लिंक आ रहा है, इसमें देखो एक बार कैसे होती है फास्ट एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है।
तो ये आपकी एक और चीज हो गई, इसको भी आप एक बार सॉल्व करके देखना। अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज सीक्वेंसेस, ठीक है। इसमें आपको एपी जीपी एचपी ये सब आना चाहिए, तो मतलब 11 12th वाले टॉपिक से आते होंगे पहले से आपको, ठीक है। आगे क्या होता है, हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस होता है, कैटलन नंबर होता है। कैटलन नंबर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैटलन नंबर, तो कैटलन नंबर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद लीनियर रेकरेंस है, लीनियर रेकरेंस को सॉल्व कैसे करना होता है और लीनियर रेकरेंस होता क्या है उसके लिए ये आ रहा है, इसमें एक बार देखना, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो यहां समझ के आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इतना करने के बाद जब आपने समझ लिया कि हाँ यार लीनियर रिकरेंस ऐसे होता है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन है यार एक स्पॉज का रिकर्सिव सब सीक्वेंस, इसका लिंक आ रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, और इसको आप सॉल्व करने बैठोगे इतना देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, उसके लिए रेफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। इस रेफरेंस को फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा फिर दोबारा, और यहां से आपका वेरिएशन आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको वेरिएशन के बाद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं, प्रिंसिपल पीएलई वाला। तो पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं यार। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि आपके पास चार होल है, छेद है, ठीक है, और पांच कबूतर है, पिजन है। तो मुझे एटलीस्ट ये चाहिए कि एटलीस्ट हर होल के अंदर एक पिजन तो होना चाहिए, तो आप कैसे पिजन को कैसे घुसाओगे? तो ऐसे होगा ना यार कि हर होल में एक एक पिजन चल जाएगा, एंड में आपका एक पिजन बच जाएगा, तो वो क्या करेगा किसी भी होल में घुस जाएगा। यानी एक होल ऐसा होने वाला है जिसमें दो पिजन होंगे। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये लिंक आ रहा है, यहाँ पे जाना देखना, ठीक है, और मजा आएगा तभी, और तब समझ जाओगे आराम से, ठीक है। तो ये आपका पिजन होल प्रिंसिपल होता है, सुनने में बड़ा आसान सा लग रहा है, पर इसको अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको ये रिसोर्सेज दिए हैं, यहाँ समझो और आप सीख जाओगे हाँ यार अप्लाई कैसे करना है। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस उठाने हैं पिजन होल प्रिंसिपल समझने के बाद, अप्लाई थोड़ा समझने में कैसे अप्लाई करना है। एक आपका कोड शेफ का डिविजिबल सबसेट, अगला आपका द ग्रे सिमिलर कोड, और उसके बाद स्पॉज पे क्वेश्चन आपका होली, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत ग्राफ भी यूज होगा, तो मतलब देख लेना, अगर ग्राफ नहीं करा तो छोड़ देना, बाकी द ग्रे सिमिलर कोड और डिविजिबल सबसेट ये दोनों क्वेश्चन कोड शेफ के हैं, ये कर लेना, ठीक है। इससे करके थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे अप्लाई करना होता है पिजन होल प्रिंसिपल को, ठीक है। अगली चीज का बात करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो मतलब बड़ा ही नॉर्मल सा और बड़ा ही ज्यादा यूज होने वाला प्रिंसिपल है, फिर दोबारा ये रिसोर्सेज आ रहे हैं साइड में, यहाँ से देख लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और अब मान लो कि यार मतलब ऐसा लग रहा है कि यार भैया हर जगह आप क्वेश्चन करने भेज रहे हो, कभी कोड शेफ पे भेज रहे हो, कभी स्पॉज पे भेज रहे हो, तो इसके लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास। ये देखो अब यहाँ पे क्या सीन होता है, आपके पास एक सेक्शन होता है टैग लगाने का, ठीक है। टैग कैसे लगाना है ये देखो, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, जब मैंने टाइप करके सबमिट कर दिया तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैथ के टैग वाले आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ टॉपिक जो आपको चाहिए वो आप टैग में डालो और आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद जब इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ लिया कि अच्छा ऐसे होता है, बड़े बेसिक ए लेवल के क्वेश्चन कर लिए कोड फोर्सेस से, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन है सरीजा एंड एलसीएम, कोड शेफ है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगेगा, तो उसका आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मतलब बताता हूँ क्या करना है। उस क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सीधा सीधा उसको सोल्यूशन देख लेना जाके, ठीक है। सोल्यूशन समझना है कि अच्छा अच्छा ऐसे था, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। जब सोल्यूशन को समझ में आ जाए तो समझ लेना कि हाँ अब मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन को अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन में जिसमें वो लगता हो। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। तो इसके लिए भी यार सेम ये रिसोर्सेज मैंने अटैच किए हैं, यहां से पढ़ना बढ़ के, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर और मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ने के बाद ना, तंग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है। तो अब इसमें यही सारे टॉपिक्स थे यार जो मैथमेटिक्स के बेसिक लेवल में आते हैं। डरना मत, शुरू में लगेगा यार बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गया, नहीं हो रहा, धीरे धीरे करो आराम से, कोई जल्दबाजी थोड़ी यार, अभी टाइम है, कोरोना है, मजे लो जिंदगी के यार। तो टॉपिक दोबारा डिस्कस करते हैं, एडहॉक टाइप के क्वेश्चन, बिगिन डिजिट टाइप के क्वेश्चन, मॉड्यूलर अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन, फास्ट एक्सपोनेंशिएशन वाले क्वेश्चन, नंबर सीक्वेंस, नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज के बारे में एक चीज और बताता हूँ यार, एक वेबसाइट होती है OEIS, ऑनलाइन सीक्वेंस फाइंडर है, ऑनलाइन सीरीज फाइंडर करके, मतलब https://oeis.org, यहाँ पे जाओगे तो मतलब किसी भी सीरीज का आपको सीरीज डालनी है उसका नेक्स्ट नंबर भी आपको बता देगा और उसका फॉर्मूला भी बता देगा कि हाँ ये जो सीरीज है इसका फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। तो दिमाग लगाना कि मैंने क्यों बताया, ये चलाक बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। तो उस वेबसाइट का आप यूज करके, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं नंबर सीरीज के बाद हमने सीखा लीनियर रिकरेंस कैसे सॉल्व करते हैं, कैटल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटल एन नंबर, ठीक है, तो वो कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, रिकर्सिव जो रिलेशंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएशन, एक्सपेक्टेशन,
बर्नौली ट्रायल्स, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन तो हो ही चुका है, और पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये सारे टॉपिक्स यार जो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि अच्छा अच्छा कैसे कैसे रिसोर्सेज मैंने सारे दिखा दिए हैं, क्वेश्चन भी बीच में थोड़े बहुत बताएं कौन कौन सॉल्व करने, आपको सारे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और थोड़े बहुत और क्वेश्चंस ऐड ऑन कर दूंगा जो मैंने बताया वीडियो में, वो तो ठीक है थोड़े और ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में, तो वो भी कर लेना वहां से। और ये पूरी जो वीडियो थी मैथमेटिक के बेसिक्स वाली थी, नंबर थ्योरी वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर नंबर थ्योरी के बाकी के टॉपिक्स भी होंगे, चिंता मत करना, ये मत सोचना इसने वो सीव ऑफ रेटोसिनस तो बताया नहीं, तो सब पता लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये करो ढंग से करो, डेफिनेटली 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 वो 10-20 हज़ार रुपये इंस्टीट्यूट में देने की जरूरत नहीं है, जो करा रहा हूँ उतना करो, रेस्ट मारो, चिल मारो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।